हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ एग्लोनिमा में थोड़ा सा फर्टिलाइजर दूंगी, तो वही आप देखिएगा। और इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, वैसे ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है क्योंकि बारिश का सीज़न इनका बेस्ट ग्रोइंग टाइम होता है, तो बारिश में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। और जो मैंने इनकी कटिंग यहाँ से ली थी, देखिए यहाँ पर भी न्यू बेबी छोटा सा निकल रहा है और इधर से तो निकल भी गया है, ये सूट्स निकल गई देखिए एक। तो दो प्लांट मैंने दो कटिंग ली थी यहाँ से, इसमें दो तीन सूट निकल रहे हैं लेकिन एक अभी बड़ा हुआ है, अभी पत्ती खुलने वाली बस, और दो छोटे छोटे से और नीचे से निकल रहे हैं। दो तीन प्लांट मतलब दो ब्रांच ऑलरेडी पहले से थी इसमें, तो ये तो है। इसकी मिट्टी बहुत कम सूखती है, इसको मैंने शायद पता नहीं कौन से पोटिंग मिक्स में लगाया है, मतलब कोको पीट शायद ज़्यादा है या फिर मिट्टी भी इसमें ऐड है शायद, इस वजह से इसकी मिट्टी सूखती ही नहीं है, बहुत टाइम में सूखती है। बाकी तो मैंने राइस हस में सब में लगा के रखा हुआ है, तो उनकी जो पोटिंग मीडिया है बहुत जल्दी सूख जाता है, जो इसके लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर पोटिंग जल्दी सूखता नहीं है तो ये ब्रांच गल करके ख़त्म हो जाती है, तो इनमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है। वैसे बारिश के पानी भी बहुत अच्छे हैं लेकिन बारिश के पानी हम इनको ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, अगर ज़्यादा इनमें पानी पड़ेगा तो ये स्टेम रॉट हो जाता है, ऊपर से गल करके हमारा प्लांट ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको चलिए दिखा देती हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ प्लांट रखे हैं, बारिश होने वाली है एग्जैक्ट, देखिए बादल और अभी बिल्कुल होने ही वाली बारिश, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा फर्टिलाइज़र दूंगी और उसके बाद मैं इनको लगभग आधा घंटे के लिए बारिश में रखूंगी, क्योंकि मैंने इनको अभी बारिश के पानी सिर्फ एक दो बार ही पड़ा है, जो पड़ा है ज़्यादा बारिश में नहीं रखा है और रखना भी नहीं है क्योंकि ये जल्दी से ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा पानी की वजह से। तो बारिश बिल्कुल शुरू होने वाली है, तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। यहाँ मैंने ली है नीम खली और ये है सीवीड एक्सट्रैक्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट, साथ में थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर भी लेंगे, तो थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर भी हमको लेना है, तो ये हमने ले लिया थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर। और एक प्लांट मैं आपको डाल कर दिखा देती हूँ क्योंकि बारिश तेज़ हो जाएगी तो फिर मैं दिखा नहीं पाऊँगी। तो एक चम्मच हम लेंगे इसमें, ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, आप अपने सभी प्लांट में इसको दे सकते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र साथ में छोटे छोटे चम्मच है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, प्लांट भी छोटे छोटे से हैं तो बस इतने ही हमको देना है, और साथ में हम थोड़ा सा ये फंगीसाइड भी डाल देंगे साइड से रूट्स के पास इसके, ताकि इसमें कोई फंगस वगैरह ना लगे। तो ये देखिए ये हमारा फर्टिलाइज़र हो गया, अब हम इसको लगभग 15 मिनट के लिए बारिश में रख देंगे और हमारा प्लांट काफ़ी अच्छा हेल्दी ग्रो होगा। तो फटाफट से दूसरा प्रोसेस भी मैं कर लेती हूँ दूसरे प्लांट में भी। तो ये हमने डाल दिया फंगीसाइड और ये डाला सीवीड एक्सट्रैक्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैंने पीस के रखा हुआ है, ये पाउडर फॉर्म में नहीं देना है। देखिए तूफान बिल्कुल से आ गया है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम इस समय, मतलब कि डेली बारिश हो रही है, रोज़ शाम को होती थी, आज तो अभी से देखिए 12 बजे से ही शुरू हो गई बारिश, और देखिए इतनी ज़्यादा तेज हवाएं चल रही हैं और मेरे तो सारे गमले भी लुढ़क जाते हैं, इधर उधर बहुत सारे गमले डैमेज हो रहे हैं। तो बस इसी तरह से आपको भी करना है, फंगीसाइड आप इस समय ज़रूर दीजिए, अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं देते तो भी फंगीसाइड ज़रूर दे दीजिए प्लांट में। और लगभग मुझे लगा था मैं बारिश से पहले कर लूँगी लेकिन कोई बात नहीं, ये देखिए मैंने डाल दिया सब में, और बस यही फर्टिलाइज़र आपको भी देना है अपने एग्लोनिमा को हेल्दी रखने के लिए। आप इसमें थोड़ी बोन मिल भी ऐड कर सकते हैं, मैंने अभी नहीं डाला है, मैं बाद में डाल दूँगी, बोन मिल या फिर बोन डस्ट जो भी आपके पास हो, या तो हॉर्न मिल आपके पास है तो उसको भी डाल दीजिए, मेरे पास है तो उसकी। तो ये देखिए ये हॉर्न मिल है और आधा आधा चम्मच हम इसे भी डाल देंगे, थोड़ा दूर से रोड के बिल्कुल पास नहीं डालना है आपको। ये देखिए ये जानवरों के सींग का चूरा होता है, उसका पाउडर होता है और इसको भी हम डाल देंगे, तो इससे प्लांट की जो ग्रोथ है अच्छी होती है, लेकिन क्वान्टिटी आपको बहुत कम लेनी है, बस इतनी सी, देखिए आधा चम्मच से भी कम मैंने लिया है, और बस 10 मिनट 15 मिनट के लिए इसको हम रख देंगे बारिश में। बारिश हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो थोड़ा सा रख देंगे ताकि ये हमारा फर्टिलाइज़र अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं अपने प्लांट निकाल करके, साथ में मैंने कुछ प्लांट हटा भी लिए क्योंकि इनमें मतलब पर पानी मिल चुका है, और ये फर्टिलाइज़र मैं अब बाद में दे रही हूँ, शुरू में ही डाल देना था मुझे, सारा मिक्स हो जाता अच्छे से, ये थोड़ा लेट से मिला मुझे, रख दिया था मैंने कहीं, ये मेरा पॉट थोड़ा बड़ा है तो मैंने इसमें लगभग एक चम्मच डाल दिया है। तो एक प्लांट हमारा और रह गया है, इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं, ये देखिए
और चलिए मैं आपको बारिश दिखा देती हूँ किस कदर बारिश हो रही है। और रेगुलर बारिश होती है हमारे यहाँ, आज बस नहीं हो रही, लगभग रोज़ ही होती है। और यहाँ पर देखिए पानी बिल्कुल भर चुका है। मैंने अपने सारे प्लांट यहाँ पर रख दिए हैं थोड़ी देर के लिए बारिश में, 10 से 15 मिनट के लिए। तो आप भी बस ज़्यादा देर के लिए मत रखिएगा, 15 मिनट से ज़्यादा के लिए, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और देखिए अडेनिया मेरे रेगुलर बारिश इसी तरह से कंटिन्यू हो रही है, सुबह शाम या रात, दो मतलब कभी कभी तो दोनों टाइम हो जाती है, कभी कभी एक टाइम होती है, मतलब रात को तो निश्चित ही हो जाती है। और देखिए सारे मेरे अडेनियम, ये सारी सीडलिंग है जो मैंने अभी बिल्कुल हाल ही में रिपोर्ट करी। और देखिए पानी किस तरह से भर गया है उनमें, पॉली बैग में, कुछ कुछ पॉली बैग में पानी भी भर गया है आज का, मतलब पता नहीं उसका पॉटिंग मीडिया तो सब सेम ही है, बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है, पानी भरा हुआ है। अभी जस्ट बारिश मतलब हो ही रही है तो निकल जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा भराव ले लिया है। बाकी में देखिए किसी में भी पानी ऐसा भरा हुआ नहीं है। और देखिए कितने हेल्दी और खिले खिले से प्लांट दिखने लगे हैं बारिश का पानी मिलने से। मैंने अपने एंथूरियम में भी थोड़ा सा फर्टिलाइज़र दिया है, यही सीविड एक्सट्रैक्ट, इसकी भी ग्रोथ बिल्कुल रुक सी गई है। और साथ में हिबिस्कस की कटिंग भी देखिए यहीं पर रखी है, इनकी भी अपडेट दे देती हूँ। लगभग 1 वीक हो गया इनको लगाए हुए और बिल्कुल फ्रेश दिख रही हैं अभी भी। और देखिए इधर भी, और तो सीडलिंग थी एडेनियम की तो यहीं भी पड़ी रह गई, और इसको हटाना भी नहीं था मुझे, सेड थोड़े फूल जाएंगे तो जल्दी ग्रो हो जाएंगे। तो इनको बस थोड़ा सा, 10 मिनट हो चुका है, 5 मिनट और रखूँगी मैं बारिश में, क्योंकि अभी दूसरे ट्रिप की बारिश फिर से शुरू होने वाली है। तो थोड़ा धीमा हो गया था लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बारिश होगी। इधर जरबेरंग मेरे यहीं पर रखे हुए हैं, और कुछ मैंने सिंगोनियम भी आज निकाल के रखा है, और इसको इसमें मैंने आज फर्टिलाइज़र दिया थोड़ा सा, बस इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन छोटे से पॉट में लगा है तो थोड़ा सा मैंने इसको न्यूट्रिएंट्स के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे दिया है थोड़ा सा, और ज़्यादा इनमें ग्रीनरी और चमक आएगी। तो बस आप भी एग्लोनिमा में ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।